हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। भाई कैसा एग्ज़ाम हुआ आज सभी का? बढ़िया हुआ ना? बोला था बढ़िया होगा, डर तो लगना ही नहीं चाहिए, है ना। पेपर बहुत अच्छा आया था, बहुत सारे प्यारे भाई बहनों ने मुझे कमेंट किया और ये बताया एग्ज़ाम बहुत अच्छा था। और जो आप लोगों के लिए मैंने एक पोस्ट डाली हुई थी, एक नहीं दो तीन पोस्ट डाली है, वहाँ पर अपने क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हो और ये बता सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपने जीके में किए, कितने क्वेश्चन हिंदी में किए, ठीक है। तो अब देखो बात करेंगे पहले तो हम लोग फर्स्ट पेपर की, ठीक है। तो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020, अब भैया आपका एग्ज़ाम हो गया, बहुत परेशान हुए, बहुत मेहनत करी आपने, चलो और हमने भी आपके साथ में उतनी ही मेहनत करी है जितनी की आप लोगों ने की, मानते हैं उससे कम की होगी लेकिन की है, आप लोग जानते हैं। और कल की डेट पर तो मैंने बहुत ही अच्छे सेशन दिए और उससे यानी जीके वाले सेशन से और हिंदी वाले सेशन से, कल की बात कर रहा हूँ मैं 8 अगस्त की, जो शाम को दो सेशन दिए थे और जिसने जिसने लिए तो कम से कम यहाँ पर जीके से आपको मिले हैं 4 से 5 क्वेश्चन, कम से कम बता रहा हूँ जो कि मेरे पास डेटा आया है। और हिंदी की अगर बात करेंगे तो इसमें 6 से 7 क्वेश्चन कम से कम मेरे पास आए हैं। तो मानते हैं कि कल का जिसने सेशन लिया उसका बहुत बेनिफिट हुआ। अब ये 4 से 5 यानी 5 इधर हो गए तो 10 नंबर इधर और यहाँ पर आपके 14 नंबर इधर, मतलब आपके 24 नंबर का तो कल आपका कंप्लीट फंस गया पूरा, ठीक है। उससे पहले भैया जितना कराया सारा फंसा है, ये सबसे बड़ी खुशी मुझे तब हुई कि जितने क्वेश्चन मेरे पास आए सारे के सारे पढ़ाए हुए थे, सारे के सारे प्रैक्टिस करवाए हुए थे। आप लोग खुद देखेंगे, आप लोग खुद जानते हैं, तो ये ज़रूर हमें कमेंट सेशन में बताएं जितने क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए हैं, क्या आपको नहीं पढ़ाए हैं, क्या आपको नहीं बताए हैं, ईमानदारी से बताइएगा। सेशन को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर पहले देखेंगे जीके और हिंदी यानी फर्स्ट पेपर का, तो यहाँ पर आपको मिलेगा यूपी बीएड आंसर की, ठीक है, मतलब क्या क्वेश्चन जो आप करके आए उसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, ठीक है भाई। सभी को शेयर मार दो फटाफट से, जो भी आपके भाई बहनों ने एग्जाम दिया हुआ था यूपी बीएड का, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया होगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। एग्जाम दे आए, जैसा भी हुआ हो गया, अच्छा हुआ बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं, टेंशन नहीं पालनी है, ठीक है। चलिए और एंड भैया देखो कमेंट करके बताते रहो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद हैं, जो याद है तो कमेंट सेशन बताते रहो और साथ ही साथ ये बताते रहो कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, जीके में कितने किए, हिंदी में कितने किए, रीजनिंग मैथ कितने किए, ठीक है। चलो भैया देखेंगे, पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे भाई क्या था, प्रश्न ये था, एक तो आपका था यहाँ पर रूढ़ शब्द से लेकर के था, रूढ़ शब्द कौन सा है पहचानने को था, तो ये मेरे को पता नहीं है लेकिन रूढ़ शब्द से लेकर के क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर बात करेंगे, दिया गया है, कह रहा है कि गूलर का फूल होने का अर्थ है, तो गूलर के फूल होने का अर्थ है ना दिखाई पड़ना, जो ऑप्शन इसमें मतलब जो भी आपको 4 ऑप्शन में से लगा, या फिर हो सकता है कि दुर्लभ होना, ना दिखाई पड़ना या फिर दुर्लभ होना, दुर्लभ होना मतलब बिल्कुल ऐसा होना कि समझ में ना आना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही लिख दिए हैं जिसका अर्थ आपको ये सही मिलेगा, ठीक है। अब आपको ऑप्शन में लग रहा था कि ना दिखाई पड़ना या फिर ऑप्शन में ये दिया था कि दुर्बल होना, ठीक है। तो जो भी था अगर आपने इनमें से किया है आपका सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर महोत्सव का संधि, महोत्सव का संधि होता है महाधन उत्सव, बहुत बार करवाया था, कम से कम 4 से 5 बार, मतलब 2 से 4 बार तो मिनिमम करवाया ही था महोत्सव संधि, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका मतलब मैं ये कहता हूँ कि 100% तो नहीं लेकिन 90% पेपर फंसा दिया है मैंने, 95% पेपर फंसाया है, 100% बोल सकते हैं कि 100% आप जो पढ़ के गए थे वो आया आपको पेपर में, ठीक है। चलिए महोत्सव संधि, यहाँ पर महाधन उत्सव, ठीक है, ये पूछा गया था, ये गुण संधि है। यहाँ पर पूछा ये गया था काव्य के भेद कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि दृश्य काव्य जो काव्य से लेके 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो काव्य के भेद पूछे गए थे, 2 भेद होते हैं, और दूसरा यहाँ पर देखो पूछा ये गया था जो आपने प्रश्न भेजे गए, आपके द्वारा प्रश्न भेजे गए हैं उन्हीं को ही यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, उन्हीं के ही आंसर्स बताए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन छूट जाए वो आप कॉमेंट में कॉमेंट करके बताएंगे तो उनको ज़रूर आपके सामने लाया जाएगा आंसर के साथ में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कह रहा है कि दृश्य काव्य क्या है, दृश्य काव्य क्या है यानी जिसे देखा जा सकता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं, ठीक है। बहिर्मुखी यहाँ पर आप बोल कुछ लोगों ने बोला कि समास पूछा गया, तो कुछ लोग बोल रहे हैं उपसर्ग पूछा गया था, ठीक है, तो यहाँ पर बहिर् हो जाएगा समास, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी उपसर्ग समास
कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग उपसर्ग उपसर्ग बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, पूछा ये गया है कि फर्स्ट वुमेन डीजीपी इन इंडिया, यानी पहली महिला डीजीपी इंडिया की, ठीक है, मतलब फर्स्ट वुमेन डीजीपी इन इंडिया, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर था कंचन चौधरी भट्टाचार्य, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये अगर ऑप्शन था तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपका राइट आंसर हुआ। चलिए, थल सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख किसने किसने सही किया भाई, यहाँ पर नरवाने हैं, नरवाने, ठीक है ना, थल सेना, विपिन रावत दिया था क्या ऑप्शन में, चलो, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है, मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है भाई। थल सेना प्रमुख, थल सेना चीफ जो भी दिया गया था, मतलब थल सेना से रिलेटेड क्वेश्चन था और थल सेना के पूछे गए थे प्रमुख कौन है, ठीक है, तो मनोज मुकुंद नरवाने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भैया पूछा ये गया था ऑस्ट्रेलिया ओपन विनर, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या था, आपने ऑस्ट्रेलिया ओपन विनर बोला, तो यहाँ पर अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका अगर ऑप्शन था यहाँ पर, नोवाक जोकोविच, तो ये आप सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर पूछा ये गया था कि EWS कितना प्रतिशत रिजर्वेशन मिला है, EWS पर कितना प्रतिशत रिजर्वेशन मिला है, मतलब एक ये आपका EWS जो लगता है, EWS बिल्कुल 10% यहाँ पर, ठीक है ना, बिल्कुल सही, जिन लोगों ने 10% किया बिल्कुल सही है। अब रहीम किसके दरबारी कवि थे, अकबर के, ठीक है, रहीम किसके दरबारी कवि थे, अकबर के, सब कराया है, कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है। छायावादी युग के संस्थापक, तो अगर ऑप्शन में दिया था ये तो बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन ही होगा, ऑप्शन में जरूर दिया होगा छायावादी युग के संस्थापक पूछा था, क्या पूछा था, यानी छायावादी युग के कवि निम्न में से कौन है, ऐसा कुछ प्रश्न था, जैसा जो भी है आपके सामने है। मेरे को कमेंट कई सारे आए कि छायावादी युग के संस्थापक मुकुटधार पांडे, तो मुकुटधर पांडे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन ये था कि द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है, क्या है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये दिया था क्या, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, इसके राइटर पूछे गए थे, तो राइटर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर पूछा गया है, ये क्या क्वेश्चन ऐसा कुछ था, सबसे बड़ी ग्रंथि, बिल्कुल अगर ऐसा कुछ था, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या, यकृत, क्या किया आप लोगों ने। नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे, रहीम किसके समकालीन थे, अकबर के दरबारी कवि थे, ठीक है, तो बाकी रहीम से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन मुझे आते गए वो मैंने आपके सामने रखे हैं। नरेगा इस्टेब्लिश्ड है, इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है, मुझे कंफर्म करते रहिएगा। अच्छा, यहाँ पर कह रहा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं भाई, सभी को पता है ना, चलिए बहुत अच्छे, पृथ्वी तत्सम शब्द है, ऐसा कुछ पूछा गया था क्वेश्चन। अच्छा, अगला है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी, 2001 क्या दिया था ऑप्शन में, 2000 से 2001 क्या दिया गया था, अगर 2001 दिया गया है तो भी आपका राइट आंसर है। दोस्तों भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बताते चलिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन आपके माइंड पे याद है, लर्न है, तो ज़रूर बताएं भाई कमेंट करके कि ये क्वेश्चन, ये भी और क्वेश्चन थे, ठीक है ना, और साथ ही साथ रीजनिंग के क्वेश्चन तो ज़रूर जो आपको याद हैं ज़रूर से ज़रूर बताएं, साइंस के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बताएं, आर्ट वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है भाई, कॉमर्स वाले अपने क्वेश्चन बताते रहें भाई, रीजनिंग के साइंस वाले अपना साइंस क्वेश्चन बताएं, बायो का क्वेश्चन बताएं, और जो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चंस करवाए उनसे क्या क्वेश्चन आपको मिले, मैथ्स में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब ज़रूर बताएं। चलिए, यहाँ पर सर शिक्षा अभियान 2001 राइट आंसर हो जाएगा। डोगरी, वाह भाई वाह, इसको लेकर के तो बहुत ही अच्छे, कल ही क्वेश्चन बताया था, उससे पहले भी बताया था कि डोगरी भाषा कहाँ से संबंधित है, जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अच्छा, कांग्रेस विभाजन कब हुआ था, सब कुछ कराया, ऐसा कुछ भी मुझे क्वेश्चन नहीं मिला जो आप लोगों ने भेजा, ये तो 100% पढ़ाया ही है, मतलब बहुत प्रैक्टिस करवाई है, मॉडल पेपर, मतलब पूरा पेपर फंसा है, ठीक है। हाँ, करंट के क्वेश्चन आए थे, और कितने आए थे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आए होंगे, इससे ज़्यादा आएंगे, आए ही नहीं होंगे 100%। कांग्रेस विभाजन कब हुआ, 1907। दिल्ली राजधानी कब बनी, दिल्ली राजधानी बनी 13 फरवरी 1931 को राजधानी के रूप में इसका सफ़र जो है वो प्रारंभ हुआ था, और ये 1911 में कलकत्ता से बदलकर राजधानी
बनाई गई। ठीक है, तो ध्यान देना भैया, दिल्ली राजधानी कब बनी, ऐसा प्रश्न अगर पूछा गया था तो वहाँ पर 1911 दिया गया होगा कि 1911 में कलकत्ता से बदलकर जो दिल्ली है उसको राजधानी बनाया गया। अब यहाँ पर आगे आएंगे, कह रहा है मूल अधिकार, मूल अधिकार जो है वो संविधान के भाग तीन में, ठीक है, मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत वर्णित हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा भाई, आपके आंसर यहाँ पर सारे जो प्रश्न हैं क्या यही प्रश्न थे, आप लोगों द्वारा भेजे गए हैं, मैंने बनाई नहीं है अपने पास से, आपको हैंडराइटिंग दिख रही होगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कह रहा भैया एग मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा एग मार्क क्या है, पूछा गया होगा तो कृषि उत्पाद से संबंधित है, ग्रेडिंग व मार्किंग को लेकर के, ठीक है ना। आगे आएंगे, डोगरी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, अच्छा NCERT के करंट चीफ कौन है, करंट चीफ कौन है भाई, प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति, ठीक है, कौन है भाई, ध्यान देना, यहाँ पर अगर ऑप्शन आपका ये था तो यही राइट आंसर होगा, ठीक है, ऋषिकेश सेनापति, बिल्कुल सही आंसर है सारे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, इंडिया के कितने पिन कोड, इंडिया को सॉरी कितने पिन कोड में बांटा गया है, तो 9 पिन कोड हैं, ठीक है, 9 भागों में बांटा गया है, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शिक्षा प्रणाली कब लागू हुई, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जितना करवाया है उसी में से पेपर आया है, कुछ बाहर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और मेरे को कमेंट आई कि भैया हमने 90+ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मुझे बहुत खुशी हुई कि 90+ का मतलब ये है कि आपने 45 क्वेश्चन हिंदी के तो सही किए ही होंगे, और साथ ही साथ आपने 40 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन हो सकता है कि हिंदी आप सही ठोंक आए हो, लेकिन मानते हैं कि 50 में से 50 तो बहुत कम लोग कर पाए होंगे, 1-2% ऐसे बच्चे होंगे, लेकिन 50 में 50 करना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए मान, चलो बढ़िया आपका एग्जाम हुआ होगा, लेकिन भाई कमेंट्स में बताते रहें कि कितने क्वेश्चन आपने किए हिंदी के, कितने रीजनिंग के किए। ठीक है, चलिए, तो शिक्षा प्रणाली कब लागू हुई, तो भैया शिक्षा प्रणाली 1986, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन दिया था, राइट है आपका ये ऑप्शन। अच्छा, 1918 में गांधी जी का आंदोलन हुआ बिहार चंपारण, ठीक है, बिहार चंपारण, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला, सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत, कर लिया ना, चलो, भाषा कितनी है भैया, भाषा कितनी है, 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। अगला यहाँ पर देखेंगे, सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। समय नहीं बर्बाद करेंगे आपका, बहुत आप लोगों ने मेहनत करी है, तो भाई फटाफट से इस पूरी वीडियो को भाई लाख आखिरी तक देखें, क्योंकि भाई सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, जितने क्वेश्चन आप लोगों द्वारा भेजे गए हैं, अब ये तो नहीं कहेंगे कि हमने 100 के 100 क्वेश्चन ले लिए हैं, 200 के 200 क्वेश्चन ले लिए हैं, लेकिन जो आपके द्वारा भेजे गए हैं वो सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, और जो क्वेश्चन छूट रहे हैं आपको याद है, आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं हमने यहाँ पर करवाया है, तो आप कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। अच्छा, तो देखो भैया, सुकुमार कवि यहाँ पर कह रहा है, तो सुमित्रानंदन पंत जो कि सुकुमार कवि हैं। अगला यहाँ पर देखेंगे, संविधान कब लागू हुआ, कैसा क्वेश्चन है, संविधान कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ, 1949 है ये, ठीक है ना। अच्छा, बहुत अच्छे, ये तो मैंने करवा ही दिया, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसने लिखी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी है। जैसे क्वेश्चन आप लोग भेजते गए वैसे करवाते गए हैं। यहाँ पर दिया गया है देवधर ट्रॉफी है शायद, जैसा जो भी है आप ध्यान कर लेना, एक बार मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अच्छा, ये ट्रॉफी किससे संबंधित है आपका, देवधर जो ट्रॉफी है ये आपका देवधर ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान देना कि राष्ट्रपति, ये भी क्वेश्चन कल ही करवाया था, है ना। चलिए, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, कौन है प्रथम शिक्षा मंत्री, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये अगर आपने किया है आपका सही आंसर है, ऑप्शन तो दिया ही गया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑप्शन ना दिया गया हो। अच्छा, आगे देखेंगे भाई क्या है यहाँ पर, क्या कह रहा है अगला है यहाँ पर, कह रहा है मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार पूछा गया था कि भारत के संविधान के कौन से भाग में है, तीसरे भाग में वर्णित है। अगला है छायावादी युग के कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, अगर महादेव वर्मा था तो महादेव वर्मा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए, फिर राइटर पूछा गया, मैंने आपसे बोला था कि दो तो राइटर पूछे ही जाएंगे 100%, ठीक है ना, जो मैंने मॉडल पेपर जिस हिसाब से करवाए थे उसी हिसाब से पेपर आपका आया है, कोई बदलाव नहीं है, जरा सा 1% मुझे चेंज नहीं लगा। माई कंट्री माई लाइफ के
राइटर कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ लिखा हुआ है, इसके राइटर कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन बोले गए थे कि आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। तो ये कंट्रोल प्लस वी क्या होता है? पेस्ट के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, अंबर का विलोम यहाँ पर पूछा गया है, तो अवनी अंबर का विलोम ऑप्शन में दिया गया होगा। अच्छा, पावक में संधि पूछा गया है, तो पौधन अक यानी अयादि संधि यहाँ पर होगा। पावक में संधि पूछा गया है तो पौधन अक अयादि संधि यहाँ पर आपका हो जाएगा। अच्छा, आगे देखेंगे भाई, आगे क्या है? उज्ज्वल में संधि, उज्ज्वल शब्द की संधि पूछा गया था, तो उत्धन ज्वल ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप व्यंजन संधि देख रहे होंगे, ये एक व्यंजन संधि है। आगे देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 किसने जीता, तो अमेरिका ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे बहिर्मुखी। देखिए यहाँ पर ये सही प्रश्न पूछा गया है, जिस भी बच्चे ने पूछा है कि बहिर्मुखी में उपसर्ग क्या होगा, तो बहिर होगा उपसर्ग। ठीक है, बहिर, ये बहिर उपसर्ग होगा, अगर आपने सही किया, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमारी। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमारी। ठीक है, और दोस्तों जो क्वेश्चन आपको याद है प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। ठीक है ना, बहुत मेहनत आपके लिए की है और आपने भी बहुत मेहनत करी है, तो हम नहीं चाहते हैं कि भाई आपके साथ थोड़ा सा भी डाउट रहे या आपको लगे कि इस क्वेश्चन में मैं डाउट है, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन रह गया है या इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, इसका आंसर क्या सही होगा, जो भी है तो डिस्कस कर सकते हैं आराम से, कॉमेंट से में ज़रूर बताएं वीडियो में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे भाई। और कितने क्वेश्चन आपने किए? जीके में कितने क्वेश्चन किए, हिंदी में कितने क्वेश्चन किए आपने, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन किए? रीजनिंग के क्वेश्चन प्लीज़ सभी लोग ज़रूर सेंड करिए, सभी से कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए भाई आप लोग ही पूछते हैं कि रीजनिंग का पेपर कैसा आया क्या आया। ठीक है, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आप कर पाए, और वहीं मैथ में कितने क्वेश्चन आपको आए, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन आप कर पाए। अच्छा, फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आए, कौन कौन टॉपिक से थे, आप कितने क्वेश्चन कर पाए, केमिस्ट्री में यहीं पर कितने क्वेश्चन आप कर पाए। ठीक है, तो ये सब जरूर बताएं। अच्छा, यहाँ पर लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कर लिया मीरा कुमारी, चलो बहुत अच्छे। अब मिर्ची अवार्ड ये 2020 किसे मिला है, तो ये कलंक मूवी, कलंक मूवी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतने क्वेश्चन दिए गए थे जो कि आपके सामने हैं, आपने देखे, और इसका जो पीडीएफ जिसको चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम से जो लोग जुड़े हैं उनको पीडीएफ मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं आप। चलिए, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करिए, और अपने कमेंट्स में कमेंट करके अपने प्रश्न जरूर पूछिए, और अपने प्रश्न जरूर यहाँ पर बताएं जो आप एग्ज़ाम में देख करके आए हैं, करके आए हैं, जो यहाँ पर आपको इस वीडियो में नहीं मिला है, जिससे कि हम और क्वेश्चन का एक वीडियो आप लोगों तक पहुँचा सकें। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।